अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम इस्लामियत की क्लास में आपको खुश आमदीद। सबक है हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा की मारूजी मश्क और मुख्तसर सवालात करेंगे। ठीक है, तारीख है हमारे पास 15 जनवरी 2021। लिखाई आपने करनी है मंतजा ज़ैल, सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, हज़रत आयशा को बचपन में कौन सा खेल पसंद था? जवाब है, हज़रत आयशा को बचपन में गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना बहुत पसंद था। दूसरा सवाल है, हज़रत आयशा की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखें। जवाब है, आपकी फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सुरेत की फजीलत तमाम खानों पर है। तीसरा सवाल है, हज़रत खोला बिनते हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मशवरा दिया? जवाब है, हज़रत खोला बिनते हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से निकाह का मशवरा दिया। चौथा सवाल है हमारे पास, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से नबी करीम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का क्या सबब था? जवाब है, हज़रत आयशा को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत थी। आप रज़ी ताला अन्हा ने सिर्फ एक वफा शुआर बीवी ही ना थी बल्कि आप जानसार सहाबिया भी थी। आपकी तमाम सरगर्मियों में दिलचस्पी नहीं और घर के अंदर या बाहर के तमाम हालात की वाकफियत हासिल करती। सवाल नंबर पाँच है, हज़रत आयशा अपना ज़्यादातर वक्त किन कामों में सर्व करती थीं? जवाब है, हज़रत आयशा अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में या लोगों को दीनी मसाइल बताने में सर्व करती थीं। दूसरा सवाल है हमारे पास, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। जो सवाल नंबर दो है, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। पहला सवाल है, हज़रत आयशा बेटी थी। पहली ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सदीक़ की, दूसरी है हज़रत उमर फारूक की, तीसरी है हज़रत उस्मान गनी की, चौथी है हज़रत अली की। तो सही दुरुस्त जवाब है अलिफ, हज़रत अबू बकर सदीक़ की। हज़रत अबू बकर सदीक़ पर दुरुस्त का निशान लगाइए। दूसरा है, हज़रत आयशा की वालदा का नाम था हज़रत बीबी खतीजा, हज़रत बीबी खोला बिनते हकीम, तीसरी है हज़रत बीबी उम्मे सलमा, चौथी है हज़रत बीबी उम्मे जमान। तो सही जवाब है हमारे पास दाल, हज़रत बीबी उम्मे रुमान। तीसरा है हमारे पास, हज़रत आयशा का लकब था ताहिरा उम्मे अब्दुल्ला, जीम है हुमैरा, चौथा है उम्मे रुमान। सही जवाब है हमारे पास अलिफ ताहिरा, ताहिरा पे दुरुस्त का निशान लगाएं। चौथा है, हज़रत आयशा अल्लाह ताला कुनियत थी उम्मे अब्दुल्ला, दूसरा है उम्मे अलम, तीसरा है उम्मे रुमान, चौथा है उम्मे कलसुम। सही जवाब है हमारे पास अलिफ उम्मे अब्दुल्ला। पाँचवा है हमारे पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से निकाह का मशवरा दिया हज़रत बीबी खतीजा ने, दूसरा है हज़रत बीबी खौला बिनते हकीम रज़ी ताला अन्हा ने, तीसरा है हज़रत बीबी मैमूना ने, चौथा है हज़रत बीबी उम्मे सलमा ने। सही जवाब है हमारे पास हज़रत बीबी खौला बिनते हकीम रज़ी ताला अन्हा पर दुरुस्त का निशान लगाइए। घर का काम है हमारे पास दोहराए सबक, हज़रत आयशा के मारूजी और मुख्तलिफ सवालात मुकम्मल अच्छे से याद करें। ये आपका घर का काम है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।